हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2019, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जैसे फॉरेस्ट गार्ड में टेस्ट कराए थे वैसे इसमें भी टेस्ट शुरू कर दीजिए। तो आज से मैंने टेस्ट शुरू कर दिया। इसमें 40 क्वेश्चन आपको रहेंगे हर टेस्ट में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। बाकी जो मॉक टेस्ट आता है वो आपके मॉक टेस्ट आते रहेंगे जो कि 100 क्वेश्चन वाले रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि क्विक रिविजन का वीडियो जरूर देखिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि गोचा लापास कहाँ है, गोचा लापास किस राज्य में स्थित है। आपके समय दिया जाएगा, फिर आपको आंसर बताया जाएगा कि ये गोचा लापास किस राज्य में स्थित है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य है। सिक्किम जो भारत का राज्य है, भारत अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हो चुके हैं, तो 28 राज्यों में ये सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है किसके दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो पहले के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। तो टू के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो सलाल परियोजना है ये किस नदी पर अवस्थित है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी से आप हैबिट बना लीजिए तो एग्जाम हॉल में कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो चलिए, सलाल जो परियोजना है ये जो स्थित है ये स्थित है आपको चेनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। झेलम नदी के किनारे, वो आपको कश्मीर है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, जो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है कि इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है। जो इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन है ये कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, ये जो स्थित है ये रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन जो स्थित है ये रायबरेली में स्थित है। तो फोर के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। अलग अलग शहर है, जैसे कि नेपानगर जो है ये कागजी जो अखबार वाला कागज होता है उसके लिए विख्यात है। तो इसी कौन से शहर जो है पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है? ये मुरादाबाद जो शहर है ये पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइव का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है। ये तीन बौद्ध स्थल है प्रसिद्ध, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये किस राज्य के हैं? ये तीनों का नाम बताना है। ये जो स्थित है यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा झील पाया जाता है, खारे पानी का झील, जिसे लैगून झील भी बोला जाता है। समुद्र से कटकर बना हुआ है, चिल्का झील, चिल्का झील है, याद रखिएगा। उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में कटक भी है, कटक भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में प्रसिद्ध आपको जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर, सूर्यदेव का मंदिर, कोणार्क मंदिर है सूर्य देवता का, वो भी स्थित है, ये याद रखिएगा। सिक्स के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। खेल से क्वेश्चन आता है, तो ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है ये बताना। स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चार धाम, चार धाम की यात्रा करने गए होंगे बहुत लोग, प्रसिद्ध चार धाम का बार बार नाम आता है, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। बाढ़ से भी इधर न्यूज़ आता है, इधर जब बारिश होने लगता है काफ़ी, बादल फटने वाला भी न्यूज़ आता है इधर। ये कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर ये चारों धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है। एट के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तराखंड यूपी से निकलकर बना था, जैसे झारखंड निकलकर बना था बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 2001 में, यही उत्तराखंड यूपी से निकलकर बना था, अलग राज्य। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि आपको मध्य प्रदेश से निकलकर बना था 2000 में, इसका उच्चतम पुरस्कार कौन है ये आपको बताना है। इसका जो उच्चतम पुरस्कार है महाराजा अग्रसेन पुरस्कार, ये इसका उच्चतम पुरस्कार है। तो नौ के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उमेद भवन पैलेस कहाँ है। उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। उमेद भवन जो पैलेस है ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान, ठीक, ये जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है। डायमंड हार्बर के नाम से ये जाने जाते हैं, तो इस किसका भौगोलिक उपनाम है? ये जो भौगोलिक उपनाम है ये कोलकाता का उपनाम है। कोलकाता का जो पोर्ट है ना वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, कोलकाता। तो डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक नाम है? कोलकाता का है। और कोलकाता जो है ना ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन है ये बताना है। तो ये गोवा राज्य की जो आधिकारिक भाषा है ये कोंकणी है। कौन है? कोंकणी है। और गोवा जो राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है।
मैंने ऊपर बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। इलाहाबाद का जो पुराना नाम है इसका बताना है, और इसका अब नया ये भी नाम हो गया प्रयागराज, जो आपका नया हो गया है प्रयाग, फिर से इसका नाम हो गया है। ठीक, तो ये नया भी पूछ सकता है या पुराना, ये दोनों पूछ सकता है, तो ये प्रयाग हो जाएगा। तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इलाहाबाद में संगम होती है, गंगा यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, कुंभ का मेला लगता है, तो याद रखिएगा। 13 के आंसर क्या हो जाएगा ये, और जो इलाहाबाद है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से ये आपको यूपी का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है। जो भरतपुर नेशनल पार्क है इसका नया नाम क्या है ये आपको बताना है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क जो है ये भरतपुर नेशनल पार्क का राष्ट्रीय नाम है राजस्थान में, तो ये भरतपुर नेशनल पार्क का नाम है, केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क, डी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। जो राजपूत पढ़िएगा, राजपूत इतिहास से पढ़िएगा, तो उसमें आपको मेवाड़ की राजधानी पूछता है ये कहाँ थी, तो ये मेवाड़ की जो राजधानी थी राजपूत राज्य में ये चित्तौड़ थी, चित्तौड़ थी। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कठपुतली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। जो कठपुतली है ये किस राज्य की लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो जो कठपुतली है ये राजस्थान की लोक नृत्य है, कहाँ की, राजस्थान की है, उड़ीसा, उड़ीसी है, उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील से जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनके बीच में एक झील पाया जाता है और इन्हें जुड़े हुए, इन्हें जुड़वा शहर भी बोला जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद। अभी ये तेलंगाना का भाग है, 10 साल तक तो हैदराबाद आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का रहेगा। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर, दोनों की सम्मिलित राजधानी रहेगी, फिर ये तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी, और इन्हें जुड़वा शहर बोला जाता है। और ये जो झील है इनके बीच में ये हुसैन सागर झील है, ये कौन है, हुसैन सागर झील है इन दोनों के बीच में। याद रखिएगा जो लोकटक झील है ये मणिपुर में है, तारता हुआ झील, लोकटक झील मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो काकोलत जलप्रपात है ये बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। ये नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में है, कौन, काकोलत जलप्रपात। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। बिहार का अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन होगा, ये पटना जिला है, और साक्षरता दृष्टि से सबसे आगे कौन है, तो रोहतास जिला है। लिंगानुपात से कौन आगे है, तो ये गोपालगंज जिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेहरू पर्वतरोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है। जो नेहरू पर्वतरोहण संस्थान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, ये डी हो जाएगा इसके आंसर। भटकल बंदरगाह कहाँ है, भटकल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। मैंने बंदरगाह से क्योंकि रिविजन का वीडियो मैंने कराया था, 13 मुख्य बंदरगाहों का आपको बताया था, क्वेश्चन भी कराया था, तो क्योंकि रिविजन का वीडियो जरूर कीजिएगा अगर बिहार पुलिस आपको निकालना है तो। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिराओं बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित। जो चिराओं एक बांस नृत्य है, बांस नृत्य है, ठीक, बांस का इस्तेमाल होता है, ये किस राज्य में का संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो संबंधित है ये मिजोरम से, मिजोरम में सबसे ज्यादा बांस उस होते हैं उधर, तो मिजोरम से संबंधित है बांस नृत्य। तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है। जो हजरत बल दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त को देखिएगा, 5 अगस्त को अब क्या हुआ था कि इसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरेटरी और लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया था। अब आज राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्य 9 हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी ये पूछ रहे कहाँ हुई थी, ये चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी, चेन्नई में हुई थी। दार्जिलिंग टी सबसे प्रसिद्ध टी है भारत का, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगर पूछे ये आपसे कि सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है भारत में, तो ये होता है असम में, और दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है। सहरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। जो सहरिया है ये किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम की जो है ये शास्त्रीय नृत्य है सहरिया। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो गोदावरी नदी है जिसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है, दक्षिणी गंगा बोला जाता है, गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है, दक्षिण के सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और ये पूछ रहा है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो इसका उद्गम स्थल है नासिक में है। कहाँ पर है, नासिक में है, नासिक में है। अगर दक्षिण का गंगा पूछे कि दक्षिण का गंगा किसे बोला जाता है, तो वो कावेरी को बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किस राज्य से शुरुआत की गई पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की भारत में, तो ये राजस्थान से 2 अक्टूबर को नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री,
तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये जो स्थित है ये है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में काजू उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है, जहाँ काजू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ये आपको बताना है कि काजू सबसे ज़्यादा होता है, मसाला भी वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये मसाले को बगीचा भी बोला जाता है उस राज्य को। तो ये कौन सी राज्य है, तो ये केरल है। सत्ता दृष्टि से केरल भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, ये केरल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। जो संथाल जनजाति इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, ये पूछ रहा है आपसे। ये झारखंड में स्थित है। कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, रांची है। इसे भी बिहार से काटकर 2000 में बनाया गया था, 3 राज्य बने थे, इसमें झारखंड भी था। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है। अमरनाथ के बार बार हम अमरनाथ दर्शन करने अमरनाथ के न्यूज आते रहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है कि तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है ये है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोसुंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो लोसुंग त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये सिक्किम का लोसुंग त्यौहार है, ये सिक्किम का त्यौहार है। ठीक, तो एक फैमिली एक जॉब का जो प्रावधान लाया था ये सिक्किम ही लाया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये कहाँ स्थित है, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से, इसे कन्फ्यूज मत कीजिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक, और ये जो स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार दिल्ली में स्थित है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। जो विश्व के शांति स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो विश्व शांति स्तूप जो स्थित है ये राजगिरी में है। कहाँ पर, राजगिरी में, राजगिरी बिहार में स्थित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के लिए वो जाना जाता है राजगिरी, ये याद रखिएगा। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है, बी। और सबसे बड़ा अगर स्तूप पूछे, स्तूप सबसे बड़ा पूछे, स्तूप मीन्स कि जैसे महात्मा बुद्ध मर गए थे तो उनके अवशेष पर ही बनाया गया स्तूप, बड़े बड़े 8 स्तूप बनाए गए थे। तो ये सबसे बड़ा अगर स्तूप पूछे तो ये सांची का स्तूप होगा। ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बोधगया, जो गया में स्थित है, वहाँ पर अपना उपदेश दिए थे। और सबसे पहले उपदेश नहीं दिए थे, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, माफ कीजिएगा, उपदेश वो सारनाथ में दिए थे। सबसे पहले वो सारनाथ में उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, जो वाराणसी के नज़दीक है सारनाथ। और सबसे पहले ज्ञान की जो प्राप्ति इनको हुई थी ये बोधगया में, गया में हुई थी, याद रखिएगा। पावापुरी जो है ये भी बिहार में स्थित है। यहाँ पर महावीर जी की मृत्यु हुई थी, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में, जो कुशीनगर है ये प्रसिद्ध है बौद्धों के लिए, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये यहीं इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। इलाहाबाद यूपी का एक सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मरमा गांव बंदरगाह कहाँ है। मरमा गांव जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है, मरमू गांव भी बोला जाता है इसे। ये जो है ये गोवा के स्थित बंदरगाह है, ये गोवा में बंदरगाह है। जलीकट्टू, जलीकट्टू पर जो ये गेम है जिसमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। तो ये किस राज्य से संबंधित है, जो जलीकट्टू डांस है ये किस, मिस डांस नहीं है, ये गेम है, ये किस राज्य से। तो ये तमिलनाडु से, तमिलनाडु सबसे साउथ में स्थित है, यहाँ पर तमिलनाडु स्थित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो 37 का आंसर बी हो जाएगा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये वन्यजीव अभयारण्य है नामदफा, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये किस राज्य में है नामदफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हुआ, सबसे उत्तरी जो हुआ जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी जो होता है ये हमारा हो जाता है तमिलनाडु। तो ये जो है ये नामदफा कहाँ है स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी जनसंख्या में लोकसभा सांसद भेजने वाले राज्य कौन सी है। जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद भेजते हैं, तो जो वो दूसरा नंबर पर आएगा, जैसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है तो लोकसभा की सीट भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ भी सीट दूसरे स्थान पर आएगा लोकसभा का, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पहले पर यूपी भेजता है, दूसरे पर लोकसभा में महाराष्ट्र भेजता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होता है यूपी का, फिर होता है महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद बिहार का आता है तृतीय स्थान पर, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे पहले पर आता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो इसरो का मुख्यालय जो है ये बंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है इसरो के मुख्यालय। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, ये आपका सवाल बताना है। हर दिन एक सवाल आपके लिए भी होगा और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। अगर ज़्यादा बताना चाहते हैं तो इसके संस्थापक के नाम भी बता सकते हैं, किसने बनाया था, तो ये जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर मैं ये कंटिन्यू रखूँ डेली तो आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर ऐसे आप क्वेश्चन करते चलेंगे, टेस्ट लगाते चलेंगे, तो आपका हैबिट बन जाएगा और एग्जाम का अच्छे से टैकल कर लीजिएगा। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।